गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरागणैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। शुनकस्यैकदन्तस्य कपिलोगजकर्णकः लंबोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्णदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदस्त्यजसुरे सीताराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठवार्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणार। अस्ते स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनप्लुतं वस्तौ प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिबद्धनी बिबिलसद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः कृष्णत्वदीयपदुपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजुहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते वंशी विभूषित करान्नवनीरुदाभात् पीतांबरात् अरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरबिन्दुनेत्र कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जानामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै
श्री गुरवे नमः।
जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, सब राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद श्री हरि गोविंद
की जय। गंगा यमुना मैया की जय। श्री सद्गुरु देव महाराज की जय। श्री श्री गौ माता की जय। भारत माता की राज रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम वंदनीय पूज्य संत वृंदावनस्थ कात्यायनी पीठाधीश्वर अनंत श्री स्वामी विद्यानंद जी महाराज विद्वद्वरेण्य सभी महानुभाव श्रीमद् भागवत का संस्कृत मूल पारायण करने के लिए संपूर्ण ब्रजमंडल से पधारे भगवत स्वरूप सभी विप्र बंधु भागवताचार्य मंच पर आसीन समस्त विद्युत वरेण्य महानुभाव और देश विदेश से पधारे समस्त भक्तजन भगवत चरणानि अनुरागी प्रियजन भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति परमात्मा की असीम अनुकंपा से श्री गिरिराज महाराज के उनके दिव्य चरणों में बैठकर गिरिराज महाराज की तरहती में भागवत कथामृत रसपान करने के लिए समवेत रूप से हम लोग सब एकीभूत हैं। तो पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये गोवर्धन है, यहां बहुत दूर दूर से भक्त लोग पधारे हैं इस कथा के लिए, तो संभव है, वैसे तो हमारे ब्रज के संतों का आदेश है, आपको मालूम है ब्रजमंडल में डोलना ही परिक्रमा है। ब्रजमंडल में आ गए तो समझ लो सारे साधन पूर्ण हो गए, ऐसा शास्त्र का मत है। ब्रजमंडल में सोना ही समाधि है। रसखान जी कहते हैं, भूख लगे तो मांग खाए हो, गिनहु न सांझ सवेर। ऐसा कब करी हो मन में, तो रसखान जी की यह भावना है। एक बार ब्रजमंडल में आना हो जाए और उसमें भी गिरिराज महाराज की तरह थी, यह स्वअवसर बहुत बड़े भाग्य से मिलता है।
आज गिरिराज जी ने कृपा की है। श्री गोवर्धन नाथ की बहुत बड़ी करुणा वर्षी है, सारी दुनिया जिसकी आराधना करती है, वह भी जिसकी आराधना करे वो श्री गोवर्धन नाथ है। तो गिरिराज की पावन तरहटी में हम लोग बैठे हैं तो रसखान कहते हैं, ऐसो कबकन हो मन मेरो, ऐसा अवसर मुझे कब मिलेगा, जब ब्रज का मुझे वास मिल जाए, गिरिराज की तरहटी में रहने का अवसर मिल जाए। और रसखान जी कहते हैं कि मान लो नहीं बन सकता मैं मनुष्य, तो कोई पशु पक्षी बन जाऊं और पशु पक्षी बनकर के ब्रज में मुझे वास मिल जाए। और पशु पक्षी नहीं बन सकता तो गिरिराज की तरहती का कोई पत्थर का टुकड़ा बन जाऊं, और वह भी नहीं बन सकता तो ब्रजमंडल की घास का कोई तिनका बन जाऊं, ताकि ब्रजवासियों के चरणों की धूल उड़कर मेरे मस्तिष्क पर पड़ती रहे और मैं कृतार्थ हो जाऊं। ऐसी पवित्र भूमि में हम लोग आए हैं, बिल्कुल गिरिराज प्रभु की पावन सन्निधि है। बृहस्पति महाराज के परम प्रिय शिष्य उद्धव जी महाराज कहते हैं कि आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सधीनाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्जपथम चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं सुतिर्ण। आदरणीय उद्धव जी ने भी यही कहा, मेरे जीवन की तो सिर्फ एक आशा है कि मुझे ब्रजवास मिल जाए। इन गोपियों के इन ब्रजवासियों के चरणों की धूल मुझे प्राप्त होती रहे तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था। आप यहां पांच बातों का ध्यान रखेंगे, बोलो जय श्री कृष्ण। एक तो ये बिल्कुल मन में भाव नहीं आने देंगे कि हम लोग बस घूमने फिरने गोवर्धन आए हैं, नहीं, यहां तो हम लोग गिरिराज प्रभु के चरणों में बैठकर भागवत कथा मृत रस का पान करने आए हैं, इसलिए साधना के पथ पर चलने का प्रयास करना है। हमें 8 दिन तक साधु जीवन जीना है, संयमित जीवन जीना है। और दूसरी बात, अपने मन में बिल्कुल किसी के प्रति दुर्भाव दुराव विद्वेष की भावना कदाचित बनी हो तो ये प्रयास करना है कि उसको बिल्कुल 8 दिन तक हमारा वो स्पर्श भी न कर सके, 8 दिन हमसे बिल्कुल दूर रहे। और यदि 8 दिन आप ऐसा कर सकेंगे तो 9वें दिन से वो स्वतः जीवन भर के लिए आपको छोड़कर ये दुर्गुण चले जाएंगे, पक्की बात। तीसरी बात, हो सकता है कुछ लोग बंबई से आए हैं, कुछ लोग बेंगलोर से आए हैं, दिल्ली से तो बहुत जन पधारे हैं, कुछ भक्त विदेश से भी आए हैं या आ रहे हैं। हमारे सदगुरुदेव कहा करते थे कि वृंदावन में गोवर्धन में ब्रजमंडल में एक चटाई भी मिल जाए तो उस पर भी सो जाओ।
यद्यपि पूरा प्रयास किया जा रहा है, किया गया है, फिर भी कदाचित कोई असुविधा होती है, उसको भी मुस्कुरा करके सहने का स्वभाव बनाएंगे 8 दिन में। क्योंकि यहां की तो रज में रहना, यहां की तो जमीन में सो गए बस, गद्दे से श्रेष्ठ है। रज खान जी अपनी कविताओं में लिखते हैं, किसी ने पूछा तुम ब्रजवास कर रहे हो, गोवर्धन में रहोगे, गोकुल में रहोगे, खाओगे क्या? बादशाह के दरबार में इतना बड़ा पद मिला, जिस व्यक्ति को सुविधाओं को छोड़कर ब्रज में आया, और जब उनसे पूछा गया तो वो जवाब देते हैं, भूख लगे तो मांग खाए हों, गिनहु न सांझ सवेरा। ब्रजवासियों के घर की मधुकरी मांग करके खा लूंगा, लेकिन अब जीवन में ब्रजमंडल छोड़ करके नहीं जा सकता। और पांचवी जो विशेष बात है, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यहां जितना बन सके आप नाम जप करेंगे। कथा शुरू हुई, मोबाइल का स्विच ऑफ, कितना ही जरूरी काम हो सब छोड़ दीजिए, कथा निष्ठा से सुनेंगे और जितना बन पड़ेगा नाम जप करेंगे। जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, न संशय। हम जितने प्रभु का नाम जप करते हैं, आपने दिल्ली में माला जपी तो वो एक माला है, और वही मंत्र की माला आप गोवर्धन की तरहती में जपेंगे तो वो 1 करोड़ माला के समान फल देगी, ऐसा लिखा है शास्त्र में। हां, भूमि का प्रताप होता है, आकाश से एक बूंद गिरी, एक नक्षत्र होता है कोई ज्योतिष में, और उस ज्योतिष में आकाश से एक बूंद गिरती है, ध्यान देना। अब वो बूंद यदि तपते हुए तवे पर गिर जाए तो जल करके नष्ट हो जाती है, और वही नक्षत्र की बूंद यदि कमल के फूल के पत्ते पर आकर के गिर जाए, कमल के फूल पर गिर जाए तो उसका सौंदर्य बढ़ा देती है, और वही नक्षत्र की बूंद समुद्र में, एक मछली होती है ऐसी, मैंने सुना है वो मछली इतनी विचित्र होती है कि कभी कभी वो ऊपर उठ करके श्वास लेती है, ऐसे मुंह खोलकर श्वास लेगी। अब जिस समय वो मछली ऊपर मुंह उठा करके श्वास ले, और उसी समय उस नक्षत्र की बूंद यदि उस मछली के मुख में चली जाए तो 1.25 लाख का मोती बन करके निकलती है, और वही नक्षत्र की बूंद किसी घास में छुपे हुए काले नाग के फण पर यदि पड़ जाए तो उसके विष को बढ़ा देती है। बूंद वही है लेकिन स्थान का परिणाम होता है। वही बूंद तवे पर गिर गई तो खत्म, कमल के फूल पर गिरी तो सौंदर्य बढ़ गया, लेकिन मछली के मुख में वो नक्षत्र की बूंद चली जाए तो 1.25 लाख का मोती बनकर के निकलती है। कथा वही है, भगवान का कीर्तन नाम जप वही है, लेकिन स्थान का फल है। भगवान श्री यादवेंद्र का पावन नाम, भागवत की पवित्र कथा, यदि हम यहां नाम जाप करेंगे तो वो एक एक नाम 1.25 लाख का मोती बनकर के निकलेगा, क्योंकि उस स्थान का वो सुपरनाम है। यहां भागवत का श्रवण करेंगे तो यहां के श्रवण का फल भी कुछ अनंत गुणा होगा। इसलिए जितना बन सके मौन रहने का प्रयास करेंगे 8 दिन, निष्ठा से भागवत की कथा का श्रवण करेंगे, प्रातः 7 से 12 बजे तक कितने विद्वान गण संस्कृत में मूल पारायण भागवत का कर रहे हैं, जितना बन पड़े वो भी श्रवण करना है और खूब नाम जप करना है। जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, न संशया।